सभी को वेलकम टू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज फिर से हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग अपने सीक्रेट बेस को डेकोरेट करने वाले हैं अच्छी तरीके से। सारा का सारा सामान सीक्रेट बेस में मूव करने वाले हैं और आज मैं आया हूँ इनके घर पर क्योंकि गाइस अभी सर्वर पर कोई भी नहीं है। रात का टाइम हो रहा है, रात का तुम लोग देख सकते हो AM है, 1:55 हो रहा है, तो अभी कोई भी नहीं होगा। इनके सीक्रेट बेस की लोकेशन मुझे यार तक डंप लोग हैं यार, ये देखो इन लोगों ने ये लगा के रखा, मुझे अभी तक ऐसे आ रहेगा इस चीज़ पर कि पागल के बच्चे हैं अलग, मतलब कुछ भी काम करता हूँ अपनी बोलता हूँ। मैंने ये भर रखी है अपनी इस चीज़ से सामानों से, इनका सामान उठाते हैं थोड़ा बहुत ही आएंगे, इनको पता लग जाएगा डाका पड़ चुका है इनके, उसमें आयरन में छोड़ के जा रहे हैं अपनी तरफ से। ये भी मेरा सामान है भाई, टोटम तो इनके सारे खाली कर दिए, खाने का सामान क्या, ये भी सारा सामान मेरा भाई, कोई चीज़ नहीं इनकी आगे बाकी थोड़ी ना चीज़, ये बोट किसी काम की नहीं है क्या, ये काफ़ी टाइम से मैंने रखी पड़ी है, इन्वेंट्री में चढ़ी गई मेरा। काम करता हूँ जितने भी गाइस गोल्डन एपिल में सारे डाल देता हूँ क्योंकि गोल्डन एपिल का काम किया है इन वॉर को, इन वॉर मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इसको मैं अच्छी तरीके से करता हूँ, तुम लोगों को पता है वैसे गोल्डन एपिल का क्या काम होता है। अब मेरे ख्याल से ये पॉकेट एडिशन के लिए है कि गोल्डन एपिल का काम जो है ना वॉर के अंदर। अब ये तुम दो हार्ट्स देख पा रहे हो मेरे, ये हमें एक्स्ट्रा हार्ट्स दे देगा, देखेंगे तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं भी। सबसे पहले मैं ज़्यादा ब्लॉक उठा लूँ ताकि उनको सुनना। अबे ओ भाई भाई भाई, वो अभी हार्ट अटैक आ जाता फिर इसी तरीके से। मुझे याद है 3 रेड लगानी है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ कि गोल्डन एपिल का काम क्या। सबसे पहले तो काम ये मैं करता हूँ, सबसे पहले नीचे से लगाना है एक दो, खैर इसकी भी लगा दो। यहाँ से मैंने इतना ही सामान लिया, बाकी अपनी एंडर चेस्ट है मेरे पास, हाँ वहाँ पे लगी हुई आई थिंक, मेरे सीक्रेट बेस पे है। एक काम यहाँ से करते हैं, अपन किंगडम में चलते हैं गाइस। इनका भी घर है ना किंगडम से दूर नहीं है, समझ लो ये रहा किंगडम और ये रहा इनका घर, समझ लो। तो भी फिलहाल मैं तुम लोगों को बताता हूँ काम क्या है उस चीज़ का। तो मेरा तो पहले एक थोड़ा सर में दर्द, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा मेरा है ना अपना पेपर सा लग। तो भाई तुम लोग वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो वगैरह को लाइक नहीं करते वीडियोस को, मैं देख रहा हूँ काफ़ी कंजूसी कर रहे हो, व्यूज़ भी बड़े अच्छे खास आ रहे हैं पर शॉर्ट पर भी ये भाई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आजकल ना, सब्सक्राइबर बढ़ा भाई, कुछ तो करो भाई, गाइस शेयर करो भाई लोगों के साथ। अब मैं बताता हूँ ये देखो, अगर मैं जब एक गोल्डन एप्पल खाता हूँ ना तो दो गोल्डन हार्ट्स मिलते हैं, दो गोल्डन एप्पल खाता हूँ तो 4 मिलते हैं, फिर एक और खाऊँगा तो 6 मिलेंगे, फिर एक और खाऊँगा ना तो 8 हार्ट मिलेंगे, इसके बाद नहीं मिलते हैं, इसके बाद हम जितने भी खाएँ। ये देखो गाइस अभी है ना, ये देख सकते हो तुम लोग किस तरीके से मैंने ये, मतलब ये मैंने एक अच्छी चीज़ फाइंड आउट कर ली है इसमें, आई थिंक ये पॉपुलर एडिशन के अंदर होता है या फिर कुछ भी बोलो तुम लोग यार, जो भी बोलो। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हम, मैं ये सोच रहा था आज की वीडियो में किंगडम डेकोरेट करते हैं हम लोग पूरा का पूरा, एक कासल वगैरह बनाते हैं अच्छे तरीके से किंगडम का। और गाइस अभी जो मुश्किल है ना अपने लिए, बहुत मुश्किल है, तो सबसे पहले ना तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, पहला बात अपन लोगों के पास है तो सब कुछ, बट अपने ये बारिश भी बनी तू तोड़ता। और ये है कि ये खुला दरबार है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे TNT पोड़ पोड़ा के ना, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा समंदर कर देते अपन, एक ही पुल रहेगा, मतलब जिसकी अपने यहीं से एंट्रेंस होगी। देखो पोड़े पोड़े तो इन लोगों पोड़ के गए मेरे ख्याल से, ये लोग जो भी सर्वर पर आए या फिर ये शुरू पहले से था, उनको समझ नहीं आ रहा मैं बचा कैसे, कह रहे जो भी है वह वापस अंदर नहीं जाना यार। अपन क्या करते हैं गाइस, ये बोरा मेरा घर नहीं कहीं, अब अच्छा हाँ मैंने कहा हार्ट जा रहा है, सर्वर लैग कर रहा है, बहुत गंदा लैग कर रहा है सर्वर लैग कर रहा है बहुत ही तरीके से लैग कर रहा है। क्या तुम लोगों को क्या नज़र आएगा, आई थिंक यहीं कहीं पर ही है मेरा वो आया, क्या कहते हैं मेरा बेस यहीं कहीं पर ही है, आगे पीछे में मैं तुम्हें बेस पे पहुंच के बनता हूँ। तो गाइस मैं अपना बेस खुद ब खुद भूल जाता है, बड़ी मुश्किलों से मिला ये भी, और अब भाई सामने अपना बेस है, अपन चलते हैं अपने बेस पे। ये रहा अपना बेस, हेडक्वार्टर क्या था ये लोगों को भी पता लग गया, उन लोगों को आई थिंक रेड वेड भी मार दी होगी उन लोगों ने, तो
क्या है, चेक करते हैं गाइस सामान क्या क्या है यहाँ पे। टीएनटी वगैरह सब कुछ अपन के पास, अपन पूरा का पूरा एक पुल बना सकते हैं। बट अभी हम लोगों को क्या चाहिए था, मैं खुद भूल गया बताओ। हम लोगों को हाँ अपना बेस का सामान करवाना था, सारा का सारा याद आ गया मुझे। तो हम लोग यहाँ पे मेन चीज़ लेने के लिए आए, गोल्डन कैरेट एप्पल में सारे ले गए, यहाँ छोटा गया है तो भी ले गया। क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे खुला बेस है, खुला दरबार है समझ लो, यहाँ पर कोई भी ले जा सकता है। यहाँ से मेन में एंट्री चेस्ट के लिए लेना आया था, एंट्री चेस्ट बनाने के लिए आया था। आई थिंक ये कुछ चीज़ें मैंने दायर भी कर दी है समझ रहे हो। तो एक ये मेरे पास एक ये एंट्री चेस्ट है। ऑब्सीडियन का खैर क्या है, ऑब्सीडियन तो कहीं मिल जाएगा, ऑब्सीडियन अपने पास पड़ा हुआ है। ऑब्सीडियन मैंने कहीं ना कहीं रखा, इसमें ना मुझे याद पड़ा ऑब्सीडियन मैंने रखा कहीं ना कहीं, मैंने ऑब्सीडियन रखा बहुत, ऑब्सीडियन रखा है मैंने माइंड बहुत करा यार ऑब्सीडियन, ऐसा नहीं करो मेरे साथ, ऐसा मत करो मेरी जान, ये रखना है। अरे ऑब्सीडियन कितना चाहिए मेरे को, कितना चाहिए ऑब्सीडियन, 5 एक चाहिए सर, एक चाहिए ओके मिल जाओ एक ऑक्सीडियन, बस इतनी सी औकात लेके जाना चाहते हो। अरे चलो कितना ले जाना चाहते हो, एक ही बस ऐसा, अभी फिलहाल 5 आई थिंक 5 सही रहेगा, 5 नहीं आई थिंक जल्दी में बन जाएगा, एंट्री चेस्ट तो बन जाएगा। क्या है वो फेंडर अपना एंट्री चेस्ट अपने हाथ के अंदर, है वो फेंडर मैंने फेंक दिया ना, हाँ सही है गाइस। और बाकी है ना मैं तुम लोगों को वहाँ पे पहुँच के मिलता हूँ बेस। तो भाई तुम लोग देख सकते हो मेरी आवाज़ इतना टाइम हो गया, 3 बजे रात के, और तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि भाई मैंने क्या क्या करा है। बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने मतलब सारा सामान तो शॉर्ट वगैरह नहीं किया। ये देखो भाई सारा सामान लेके आ गया हूँ, अपने एक ही बेस से लगा, ये एक बेस का सामान यहाँ पर ट्रांसफर किया। देख रहा हूँ सामान, देखो भाई तुम्हारे भाई के पास कमी नहीं है किसी चीज़, भाई किसी चीज़ की कमी नहीं तुम्हारे भाई के पास, ये नहीं बोलना मेरे पास किसी चीज़ की, भाई तुम्हारे भाई के पास कोई चीज़ की कमी नहीं, भाई बोलो क्या चीज़ चाहिए तुम लोगों को। सब्सक्राइबर चाहिए, मैं सब्सक्राइबर के अलावा वॉच टाइम की कमी है, तुम लोग लाइक नहीं करते, बहुत टेंशन है भाई जीवन में, बहुत टेंशन है, तुम लोग कुछ नहीं करते, सब्सक्राइब करते ना लाइक करते, भाई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये देख सकते हो मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत मेहनत से यहाँ तक देखा है, तकरीबन 1.5-2 घंटा इसमें लग गया, 1.5 घंटा इसमें लग गया। बाय द वे मुझे ये वाली चीज़ अब तक की सबसे अच्छी लगी, जिसमें सबसे ज़्यादा माल है। और यहाँ पे एक आर्मर भी लटका दिया तुम्हारे भाई ने शो पीस के तौर पर। और अब गाइस इस पेस को ना पता कि मतलब थोड़ा बहुत सिक्योर करने का, इस तरीके से ओपन में नहीं रखना इसको, तो इसको मैं थोड़ा बहुत सिक्योर कर दूँगा, टेंशन नहीं लो। बाय द वे अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, तुम लोग काम करके दिखाता हूँ ताकि तुम बोर ना हो जाओ समझ लो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं तुम लोगों को और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अगर सब फिलहाल में थोड़ा बहुत अपन अपने बेस को भी सिक्योर करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा माल आ चुका है अपने बेस के अंदर, सबसे ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। तुम लोगों को इस चीज़ से तो अंदाज़ा हो जाएगा, मतलब हो सकता है कोई और भी हो, बट मुझे अभी SMP मेंबर्स ने किसी ने भी अभी तक वीडियो नहीं डाली, किसी ने अपने चैनल पर किसी का बना हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता, बट किसी ने भी अब तक वीडियो नहीं डाली। कोशिश करता हूँ क्या मैं जा सकता हूँ, मेरी इतनी वॉल बनाने का भी कोई फ़ायदा हुआ है, कह रहे गए इतना मेरे को दिमाग नहीं लड़ा ना, ये पल करी और मैं जा रहा हूँ अंदर सीधा। बाय द वे वॉल बनाने का मतलब ये था कि मतलब लोगों को ना थोड़ा टाइम लग जाए, पार ही टेर के आ रहा है, मतलब पल करने में मुझे भी टाइम लगा। ठीक है मैं सीधा अपने घर के पास यहाँ ज़बरदस्त हो गया, तो मुझे जाना उस तरफ समझ रहे जिस तरफ, तो जिस तरीके से अभी मुझे पल करने में टाइम लगा है समझ रहे, पर आ मैं उसी जगह पर गया। पर मैं यही चाह रहा था कि बंदे मतलब एकदम से ऐसे नहीं कूद जाए, यूँ जिस तरीके से आ रहे होते हैं मतलब एक दीवार होगी ना, एक रोकने का थोड़ा बहुत टाइम लगेगा दीवार में समझ लो, ताकि हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर लें पूरी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी फिलहाल थोड़ी बहुत वेरिटी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत है ना उसको सब कर लेते हैं। बैठे भी अगर मैं उसको ऐसे रखूँगा ना तो बड़ा मतलब इनमें शक पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर गोबल स्टोन लगा देता हूँ, ताकि गोबल स्टोन ये होता है कि गोबल स्टोन किसी के रेंडर में नहीं आता, गोबल स्टोन से लोग ये सोचेंगे कि मतलब यार हाँ नीचे गया था ये, मतलब नीचे जाके ना मतलब माइनिंग वगैरह की बस, ये
ये मैंने काफ़ी डम्बो की तरह मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, बट ये है कि मेरे को मार पाएगा हमेशा। और गाइस तकरीबन मैंने सब कुछ कर दिया, तो भाई आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, रिकॉर्डिंग इसकी 3:03 का भाई। अब लोगों ने 1:30 बजे स्टार्ट करी, तो लगा 1.5 घंटा हो गया पूरा, 1.5 घंटा 3 मिनट काफ़ी टाइम लगा भाई इसको रिकॉर्ड करने में। और भाई तुम लोग अभी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो मैं कितना वेट और ठंडा रह सकता हूँ। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना गाइस, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम पापा है और अपना बहुत ख्याल रखना। पी एम लाल हाफिज़।